हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन एनालॉग सर्किट्स ETC फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट। मायसेल्फ कपिल धामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ETC डिपार्टमेंट, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ यूनिट 1। वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस लेक्चर सीरीज। लेट्स सी व्हाट आर दोज टॉपिक्स। वी कवर वेरियस टाइप ऑफ टॉपोलॉजीज इन दिस लेक्चर सीरीज स्टूडेंट्स, दैट इज वोल्टेज सीरीज, फीडबैक वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट, एंड वी विल एबल टू कैलकुलेट द इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, which is very important, along with their equivalent circuit of each topology. So let's start with each topology one by one. So in this lecture series, we cover the following classifications of the network, which we discussed earlier in the lecture. So first we discuss the voltage series feedback amplifier, jisko hum series voltage feedback amplifier ya series shunt feedback amplifier bhi keh diya karte hain. Inke naam alag alag hain students, बट आपकी जो सिलेबस में है वो इस नाम से जाना जाता है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फीडबैक टॉपोलॉजी, फीडबैक नेटवर्क, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर और उसका डिफरेंस यहाँ पे स्टडी किया, और उनके बिहाव पर अब आगे हम बढ़ने लगे हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के सर्किट की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, एक डेट इज़ द बेसिक एम्पलीफायर, एक फीडबैक नेटवर्क है और मैंने एक AC सोर्स लगाया हुआ है, आउटपुट पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल इज रिप्रेजेंटिंग एज VI, दैट इज़ प्लस माइनस साइन, वी नॉट को भी हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। पैरेलली हमने क्या किया, एक फीडबैक नेटवर्क यानी कि सेम, जैसे कि हमने वहाँ जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन बात करी थी, हम क्या करते हैं वहाँ से एक फ्रैक्शन ऑफ सिग्नल फीडबैक नेटवर्क के अंदर फीडअप करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल फीडबैक नेटवर्क में इसके राइट हैंड साइड में इनपुट की तरह बिहेव करेगा, और आउटपुट में यहाँ VF की तरह ये आएगा जो कि यहाँ मिलेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चूंकि ये करंट आ रहा है II और V फीडबैक आपको मिल रहा है, तो ये क्या होगा, RIF इज इक्वल टू RI इंटू टाइम्स ऑफ D। D इज़ द फीडबैक रेशियो फैक्टर जिसकी वैल्यू 1+ बीटा टाइम्स ऑफ A होता है। तो अगर हम बात करें इसका जो फॉर्मूला है, देखो जैसे हमने अभी लास्ट में डिस्कशन किया था, VF इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ V0। तो सैम्पल सिग्नल इज वोल्टेज और फीडबैक सिग्नल इज वोल्टेज, और फीडबैक सिग्नल को हम क्या करते हैं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि फीडबैक सिग्नल का जो वोल्टेज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटपुट वोल्टेज के। कैसे, जैसे कि आप यहाँ राइट लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो कि VF क्या है, किसके रिक्वेस्ट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, VOUT के, क्योंकि आप VOUT का क्या ले रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट सिग्नल आप फीडबैक नेटवर्क में ले रहे हो, तो इसलिए VF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V0 के। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई है, आउटपुट रेजिस्टेंस कम है। देखिए इनपुट रेजिस्टेंस अगर हम कम रखेंगे तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो हो सकता है, तो सर्किट के अंदर जो है ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए हमें इनफाइनाइट जो है जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो हाई रखनी पड़ती है। आउटपुट पे हमें लो क्यों रखना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर हम आउटपुट पे भी हाई रखेंगे तो फिर जो हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज या करंट ड्रॉप मेजर करना है तो वो हम कैसे मेजर कर पाएंगे, तो वो हीट डिसिपेशन में हो जाएगा। मगर इसलिए हम क्या करते हैं कि R0 की वैल्यू यानी RL की वैल्यू हमेशा हम क्या रखते हैं, आउटपुट सेक्शन में कम, और इनपुट सेक्शन पे RI की वैल्यू क्या रखते हैं, ज़्यादा। तो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन दैट इज़ द आउटपुट रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द रेशियो ऑफ द इनपुट, तो V0 ओवर VS, VS इज़ द सोर्स वोल्टेज, V0 इज़ द आउटपुट वोल्टेज। ये S का मतलब क्या है, क्योंकि देखो जब आप ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इन एस डोमेन। तो टाइम डोमेन से जब हम एस डोमेन में जाते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हमने यहाँ पे ये एस का कॉम्बिनेशन यहाँ रखा। अब जैसे कि आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये जो VS है ये क्या है, वोल्टेज गेन है ना, तो VS वोल्टेज गेन AV, डी इज इक्वल टू क्या है, 1+ बीटा टाइम्स ऑफ ए। ए हम वहाँ जनरलाइज कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, AV ले रहे हैं। तो प्रॉपरली अगर हम बात करें तो इस सर्किट को हम वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह के नाम से भी जानते हैं,
और आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर भी इसको कहते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आइडल वोल्टेज अगर एम्पलीफायर की बात करें, जो जिस सर्किट को हम आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर की बात कह रहे हैं, तो आइडियली इन इन जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर में, और आउटपुट वोल्टेज हमारा आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी पैसिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़ीरो कर सकें या किसी पैसिव एलिमेंट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर सकें। हाँ, हम उसको बहुत कम तक कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं, बट उसकी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ व्हेन वी डिस्कस द प्रैक्टिकल वोल्टेज एम्पलीफायर विद रिस्पेक्ट टू आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वो कहता है कि आइडल वोल्टेज एम्पलीफायर में RIF की यानी कि फीडबैक रजिस्टर इनपुट रजिस्टेंस एट फीडबैक सेक्शन वो इन्फिनिटी है, और आउटपुट सेक्शन पर हमारा क्या है, ज़ीरो है। अब बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर आर एमिटर फॉलोवर डेट इज़ कॉमन कलेक्टर, सोर्स फॉलोवर डेट इज़ कॉमन ड्रेन विद फैट, वोल्टेज फॉलोवर डिज़ाइन विद ऑपरेशन एम्पलीफायर। देखिए ये वोल्टेज, जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को पढ़ेंगे तो वोल्टेज फॉलो, इसका नाम से पता लग रहा है, वोल्टेज को फॉलो यानी कि इनपुट इज़ फॉलोड बाय द आउटपुट, है ना, आउटपुट इज़ फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ओके स्टूडेंट्स, सो एज ए स्पेशल केस इन एमिटर फॉलोवर एंड सोर्स फॉलोअर 100% ऑफ द नेगेटिव फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड। तो स्पेशल केस ये है, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात, कि जब हम एमिटर फॉलोअर या सोर्स फॉलोअर की बात कर रहे हैं वोल्टेज फॉलोअर को छोड़कर, तो क्योंकि वोल्टेज फॉलोअर ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या होगा, जो गेन की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो VI नॉट इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा, यानी कि जस्ट इनपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट की तरफ सेम आपको दिखेगी। तो आप कह सकते हो कि आउटपुट फॉलो कर रहा है इनपुट को। तो एज ए स्पेशल केस अगर हम एमिटर और बचे कुचे सोर्स फॉलोअर की बात करें तीन एग्जाम्पल में से, तो 100% ऑफ द नेगेटिव फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ सर्किट बनाया, एक ट्रांजिस्टर है और एमिटर सेक्शन में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, बेस रेजिस्टेंस मैंने RB, और एक मैंने यहाँ पे सीरीज मिक्सर पे लगाया हुआ है, VCC मैंने दे रखी है। तो एमिटर फॉलोअर इज कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। तो प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ एमिटर फॉलोअर क्या होगा, देखो तो प्रैक्टिकल सर्किट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में और उस सर्किट में क्या अंतर है। इस सर्किट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस सर्किट में जो बेस साइड से आप देख रहे हैं, तो मैंने बेस साइड से एक R1 को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है VCC के अलोंग, यानी कलेक्टर साइड के अलोंग, और एक कपलिंग कैपेसिटर भी लगाया हुआ है देखिए सीरीज में, साथ ही साथ मैंने RL भी लगाया हुआ है जबकि RL नहीं था, है ना। तो इस तरीके से मैंने आउटपुट सेक्शन में भी कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल सर्किट बन गया एमिटर फॉलोवर का, है ना, वोल्टेज सैम्पलर जिसे बोलते हैं। तो दिस इज़ द जनरलाइज्ड और प्रैक्टिकल डायग्राम ऑफ एमिटर फॉलोवर। यू नॉट डू नॉट नोट सो यू डू नॉट नो सो आपको इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। आप इसको ब्रीफ में अपने, तो आपको जो है बच्चों स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है, ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है कि ड्राइव करो इक्वेशन को फॉर इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम हमने डिफाइन किया, उसके एग्जाम्पल्स देखे, और हमने अब इक्वेशंस डिराइव करनी है इनपुट एंड आउटपुट। देखो इसमें साथ साथ करेक्टरिस्टिक भी चला के चल रहा हूँ ताकि आपका सारा काम एक साथ कवर हो जाए। तो हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक सर्किट का बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछले वाला जो ब्लॉक डायग्राम सर्किट था, उस सर्किट में सारा सर्किट सेम है सिवाय जो एम्पलीफायर सेक्शन था वो मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया कि इनपुट सेक्शन में मैंने बताया कि इनपुट हमारे पास रेजिस्टेंस रहता है और यहाँ पे हमारे पास एक गेन रहता है, तो गेन AV into VI, VI0, है ना। तो इस तरीके से मैंने सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो ये सर्किट मेरा क्या, जो पहला ब्लॉक डायग्राम था वही मेरा अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया। तो और सर्किट में कोई चेहरा चेंजेस नहीं है, बाकी मैंने RL लाइक लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगा ही रखा है, इनपुट फीडबैक RI एट। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा भी है कि वोल्टेज सैम्पलर इज रिप्लेस्ड बाय द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जैसे कि आप देख रहे हैं AV into VI, तो ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है जो आप रोम्बस टाइप में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अब वो कहता है कि यदि हमें टू फाइंड करना पड़े आर आई एफ, है ना, तो हम कहते हैं कि लेट आर आई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं कहता हूँ कि वी आई इज इक्वल टू आई आई आर आई, तो ये क्या हो जाएगा, आर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी आई बटे में आई, है ना। तो देयर फोर साथ साथ ये कहता है कि आर आई एफ भी क्या होगा, वी ए सोर्स, देखो यहाँ पे वी ए सोर्स लिखा हुआ है, ये आपका वी ए सोर्स है और आर आई भी लिखा हुआ है, तो वी एस डिवाइड बाय आई आई। अब देखो हम करते क्या हैं कि वी एस बाय आई आई, अब वी एस की वैल्यू कितनी है, वी आई, तो वी एस की सोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, वी आई प्लस वी एस डिवाइड बाय आई आई। तो अब चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि वी एफ की वैल्यू क्या होती है, बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट, तो बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट है, तो आर आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एस और वी एफ एक ही बात है, मैंने यहाँ वैल्यू यहाँ रख दी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इक्वेशन में पुटअप हो गई। अब वो कहता है नेगलेक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर नॉट, है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा आर नॉट है, अगर मैं उसको मान, क्योंकि आपका जो आर नॉट की वैल्यू कम है, तो आर एल के अक्रॉस मेजोरिटी ऑफ द आउटपुट या करंट या वोल्टेज की फॉर्म में आप सारा गैदर कर लोगे, और थोड़ा बहुत भी अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो ना के बराबर होगा, तो उसको मैं नेगलेक्ट भी कर दूँ, तो वी नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, नियरली इक्वल टू ए वी इंटू वी आई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए वी इंटू वी आई, तो ये आपका पैरेलल में कनेक्शन लगा हुआ है, तो जो वोल्टेज यहाँ दिखेगी वो वोल्टेज वी नॉट पर भी दिखेगी आर एल के अक्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, सो आर आई एफ इक्वल टू वी आई प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए वी वी आई, तो वी एस वी नॉट जो है वो वी एस है, और वी एस के लिए आपने यहाँ लगाई रखी है, तो बीटा टाइम्स ऑफ ए वी वी आई हो गया, आई आई हो गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो वी है इज़ नथिंग बट ये आपका वी आई है, तो वी आई दोनों में से कॉमन निकाला, तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए वी डिवाइड बाई आर आई, है ना, तो आर आई एफ इज नियरली इक्वल टू आर आई, है ना, क्योंकि वी आई बटे आर आई क्या होता है, आर आई होता है, तो ये हो गया 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए। तो इन दिस वे वी विल एबल टू कैलकुलेट द इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखो आर आउट आर जीरो एफ, है ना, आर नॉट एफ, द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज टू ओपन सर्किट द लोड। तो मैं क्या करूँगा, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर दूंगा, एंड टर्मिनेट विद ए वोल्टेज सोर्स वी, सो डैट करंट विल फ्लो इन टू द आउटपुट टर्मिनल्स, एंड आर जो आर नॉट जो है वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वी बटे में आई हो जाएगी, एंड बाई मेकिंग दिस मेजरमेंट लेट द सोर्स वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू कीप जीरो। तो सोर्स वोल्टेज को आपने क्या रखा, जीरो रख दिया, और लोड रेजिस्टेंस को क्या रख दिया, ओपन कर दिया, इससे क्या होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा आउटपुट टर्मिनल्स पे, तो आपको आर नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, वी बटे में आई मिलेगी। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, ये आर नॉट है, ये ए वी वी आई है, तो उस सर्किट में आपने जो आर एल है वो तो आपने ओपन सर्किट कर दिया, और ओपन सर्किट के अक्रॉस तो करंट हम मेजर कर नहीं पाएंगे, हमारे पास ये सर्किट बच जाएगी, ये सर्किट बच जाएगा, तो आर ई एफ वी बाय आई हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी माइनस ए वी वी आई डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाय आर। तो अब सोर्स आपने तो जीरो कर दिया, आप कह रहे हो कि सोर्स जीरो है और ओपन सर्किट कर रहे हो आउटपुट सेक्शन पे, तो वी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर माइनस वी एफ हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी माइनस ए वी टाइम्स ऑफ माइनस वी एफ, आर नॉट, आर नॉट तो चल ही रहा है, बट वी एफ की वैल्यू कितनी है, बीटा टाइम्स ऑफ वी, तो जैसे ही आपने इसके अंदर वैल्यू पुटअप करी तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस करता ही ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि वी डिवाइड बाय आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आई आई नॉट कह सकते हो, तो मैंने क्या किया कि मैं इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करा कि ये बन गया वी बाय आई, है ना, ये आई इधर आ गया, आर नॉट उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने, वी बाय आई इज इक्वल टू आर नॉट ओवर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ए वी। तो इन दिस वे आर नॉट की वैल्यू भी हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ फीडबैक निकाल ली। नेक्स्ट है स्टूडेंट वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, और शंट वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर और शंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, पहले किया सीरीज शंट, अब कर रहे हैं शंट शंट, ठीक है ना। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेसिक एम्पलीफायर का सेक्शन दिया हुआ है, ये कहता है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, है ना, यानी कि आई टू वी कन्वर्टर है ये। तो जब आपको, जैसे हम जनरलाइज, जब हम किसी कन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, एनालॉग टू वोल्टेज कन्वर्टर, ये कुछ इसी तरीके से का जो है कंसेप्ट है
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेम सेक्शन में हमने पहले जो डिस्कशन किया सीरीज शंट में, वही सेम यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि एक बेसिक एम्पलीफायर लगा हुआ है, वी आई 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 वी नॉट आउटपुट सेक्शन पे है, लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, आई एफ की वैल्यू क्या है, बीटा टाइम्स ऑफ वी नॉट, क्योंकि जो वी फीडबैक है, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, पहले वहाँ पे सीरीज शंट में क्या था, वी फीडबैक, अब यहाँ क्या होगा, आई फीडबैक। तो आई फीडबैक क्या है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि सीरीज शंट में होता है फीडबैक वोल्टेज और यहाँ पे हमारे को क्या मिल रही है, फीडबैक करंट। तो दोनों का थोड़ा अंतर डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ कहता है कि द सैम्पल सिग्नल इज वोल्टेज बट द फीडबैक सिग्नल इज करंट। वहाँ पे सैम्पल सिग्नल क्या था, वोल्टेज, मगर आउट सैम्पल सिग्नल वोल्टेज था सीरीज शंट में, और फीडबैक सिग्नल क्या था, वोल्टेज था। जबकि यहाँ क्या है, सैम्पल सिग्नल वोल्टेज ही है मगर फीडबैक सिग्नल क्या है स्टूडेंट्स, करंट है। तो फीडबैक सिग्नल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज, और वहाँ पे क्या था, फीडबैक वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे क्या है, फीडबैक सिग्नल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगी, वहाँ पे क्या था, इंक्रीज हो रहा था और आउटपुट डिक्रीज, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ आउटपुट क्या हो, दोनों की दोनों चीज़ें क्या होंगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, रेशियो लैपलास ट्रांसमिशन ऑफ द आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसमिशन ऑफ द इनपुट। आउटपुट मेरे पास क्या है, वी नॉट, और इनपुट क्या है मेरे पास, आई एस। तो यहाँ पे ट्रांस रेजिस्टेंस गेन आरएम हो जाएगा, पॉपुलरली नोन एज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है कि इसको हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के तौर पर भी हम जानते हैं। तो आइडियल, अगर वोल्टेज वहाँ एम्पलीफायर की बात थी, अब यहाँ आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर की बात है। तो दोनों ही केसेस में इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है। तो डी इज इक्वल टू 1 + बीटा टाइम्स ऑफ आर एम हो जाए, वहाँ पे क्या था ए वी, यहाँ क्या था आर एम, ट्रांस रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर बेसिकली आई टू वी कन्वर्टर, तो वोल्ट करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, शंट शंट कन्वर्टर वाला। तो बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, कलेक्टर टू बेस बायस करंट सर्किट, और वहाँ पे क्या था, कलेक्टर टू कॉमन कलेक्टर सर्किट, है ना, एमिटर फॉलोवर। यहाँ क्या है, बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल कलेक्टर टू बेस सर्किट। तो कलेक्टर टू बेस सर्किट में जैसे देख रहे हैं कलेक्टर टू बेस, तो मैंने यहाँ देखो एरो से दिखा रखा है, सी से एक रेजिस्टेंस आर बी के अक्रॉस गया हुआ है, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है सी सी वन, एक कपलिंग कैपेसिटर सी सी टू आउटपुट सेक्शन में लगाया हुआ है, वोल्टेज सैंपलर के तौर पर हम ये लगा रखा है, शंट मिक्सर ये बन गया आपका जो का कलेक्टर साइड से आर बी गया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आगे आता है कि डिराइव करो इक्वेशंस आर इनपुट और आर आउटपुट फॉर द वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो जैसे कि आपने वहाँ देखा कि एक सर्किट को आप याद रखो, बाकी सर्किट बिल्कुल सेम होगा, है ना। कैसे सर्किट सेम होगा, देखो सारा सर्किट सेम होगा, बीटा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है जो फीडबैक सेक्शन में आ रही है, वहाँ क्या आ रहा था, फीडबैक वोल्टेज थी वहाँ, यहाँ कितना है, यहाँ फीडबैक करंट है, डायरेक्शन क्या है, उल्टी, उधर क्या था, डायरेक्शन अपवर्ड थी, इधर डायरेक्शन पीछे की तरफ है फीडबैक नेटवर्क की तरफ, और वहाँ पे ये क्या था, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, तो ये क्या है, आर एम इंटू आर आई। तो ये थोड़ा सा, एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी कोई और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, वहाँ हमने वोल्टेज सोर्स लिया हुआ था, यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, तो सेम डेरिवेशन एज प्रोसेस एक्सेप्ट आई एस इज इक्वल टू जीरो। तो कहता है कि जितनी भी आपने पीछे डेरिवेशन अभी अपने जैसे हमने डिस्कशन करी, तो मैंने कहा कि आपको यहाँ क्राइम करने के लिए ज़रूर नहीं है कि आप साइड जो हमारे क्लासिफिकेशंस हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स के सेक्शंस को, उनके हर सेक्शन हर एक डायग्राम को क्राइम करने की जरूरत नहीं। आप समझें कि वो एक वोल्टेज टू वोल्टेज था, ये करंट टू वोल्टेज है, और वहाँ वोल्टेज सोर्स था, यहाँ करंट सोर्स है। तो एक्सेप्ट आई एस इज इक्वल टू जीरो, बाकी सारा पार्ट क्या है, बिल्कुल स्टूडेंट्स सेम है। तो आई होप कि आप वहाँ प्रैक्टिस करेंगे और आप इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें आसान है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर और शंट करंट फीडबैक एम्पलीफायर या शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सीरीज शंट होता तो फिर वो वोल्टेज
एम्पलीफायर का काम करता। अब ये कह रहा है शंट सीरीज, ऐसा नहीं कि शंट सीरीज और सीरीज शंट एक ही बात होगी, नहीं। जब पहला नाम किसका आ रहा है, शंट का, बाद में नाम किसका आ रहा है, सीरीज का, शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सर्किट के अंदर, तो सेम सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे आप देखो आउटपुट पे क्या है, करंट, और इनपुट पे भी क्या होगा, इनपुट पे, इनपुट सेक्शन पे सोर्स करंट होगा और फीडबैक सेक्शन पे भी करंट सेक्शन होगा। तो यानी कि फीडबैक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट। तो जहाँ आपका ये करंट करंट आ जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि करंट टू करंट जा रहा है ये, तो सैम्पल सिग्नल इज करंट। यहाँ फीडबैक नेटवर्क में आप देख रहे हैं आई नॉट की वैल्यू जो है वो एक तरीके के सैम्पल सिग्नल है, फीडबैक सिग्नल भी क्या है, करंट है। फीडबैक सिग्नल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट। फीडबैक सिग्नल जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्टूडेंट्स, आउटपुट करंट के। दूसरा इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बट आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज। अभी तक क्या हुआ कि सीरीज शंट वाले में इनपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, जबकि शंट शंट वाले में दोनों ही जीरो, और तीसरे वाले में आप देख रहे हैं कि इनपुट डिक्रीजेज आउटपुट इंक्रीजेज, यानी उल्टा हो गया, यानी ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट है ना। तो अब अगर हम इसके ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करें, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ करंट वाले में, तो लैपलास ट्रांसमिशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या है यहाँ पे आई नॉट, और शंट आपका जो सोर्स करंट है वो क्या है, इनपुट। तो प्रॉपरली इट इज़ नॉन एज करंट एम्पलीफायर। तो वो कौन सा था, वोल्टेज एम्पलीफायर, ये है करंट एम्पलीफायर। तो इन आइडल करंट एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज जो, और जबकि वोल्टेज एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस इज हाई इनफिनाइट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो, जबकि यहाँ आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो इन्फिनिटी है ना। तो डी इज इक्वल टू वन प्लस ए टाइम्स ऑफ आई, वहाँ वी लिख रखा था, याद दीजिएगा सिंबल नोटेशंस, ये सिंबल नोटेशंस का ही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है इसका वो है टू स्टेज कॉमन एमिटर सर्किट इन कास्केड एंड ए विद ए फीडबैक एग्जिस्टेंस फ्रॉम एमिटर ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर टू द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर। दोबारा देखिए इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका, इस सर्किटरी का या इस टाइप की क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, टू स्टेज कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर की दो स्टेज, एक स्टेज पहले कॉमन एमिटर, वो वापस फीड हो रही है दूसरे सर्किट में, और वो कास्केड नेचर में है ना, विद ए फीडबैक एग्जिस्टिंग फ्रॉम एमिटर ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर टू द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो है फीड हो रहा है बेस एग्जिस्टिंग फ्रॉम द एमिटर ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर है ना, एमिटर, और ये देखो मैंने कपलिंग कैपेसिटर रेड लाइन से मैंने जो कर रखा है, ये क्या है, करंट सैंपल की तरह काम करेगा। तो ब्लॉकिंग कैपेसिटर कौन सा होगा, ये जो बीच वाला रेड वाला होगा, तो दिस इज द ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम विच वी टेक इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आई बी जो है आई एस माइनस आई एफ है ना। तो इफ बाईपास कैपेसिटर इज प्रोवाइडेड टू द सेकेंड ट्रांजिस्टर देन देर विल नॉट एनी फीडबैक इन द सर्किट। तो अगर वो कहता है कि बाईपास ट्रांजिस्टर अगर हम यहाँ लगा दें, बाईपास कैपेसिटर अगर हम प्रोवाइड कर दें सेकेंड ट्रांजिस्टर के अंदर, तो इट विल नॉट बी एनी फीडबैक इन द सर्किट। सो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी नोट वाइल कंस्ट्रक्टिंग सच काइंड ऑफ सर्किट डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट थिंग इज कि आप उसको जो हमने डिस्कशन की पहले जो इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में, देखो सेकेंड वाले केस में क्या है, वो एक्सेप्ट आई एस इक्वल टू जीरो कर दो तो सारा सब कुछ सेम रहेगा, और जैसे ही अगर आपने एक बार बनाना सीख लिया तो चारों का आप क्लासिफिकेशन आराम से इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में कर सकते हो। नाउ वी ड्राइव द इक्वेशन ऑफ आर आउटपुट आर आई इनपुट फ्रॉम द करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो सर्किट में आप देख रहे हो थोड़ा सा चेंज, सर्किट में थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि देख रहे हो आप कि फीडबैक रेजिस्टेंस में जो आउटपुट फ्रैक्शन सैम्पलर हम ले रहे हैं वो आउटपुट करंट है और इनपुट करंट है, फीडबैक के तौर पर आई एस सोर्स करंट है
ये बेसिकली डिफरेंस है। और साथ साथ हमने क्या किया, जो डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है उसके पैरेलल में हमने क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है RD, है ना। तो अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगर हमें RIF निकालना है तो लेट RI अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VI/RI, और RIF क्या हो जाएगा, VIA/IS हो जाएगा। तो RI इज इक्वल टू VI/IS। तो अब IS को हमने क्या लिखा, II+IF, है ना, फीडबैक हो गया। तो डायरेक्शन देखो आप, ये दोनों में दिख रही है, IS की वैल्यू क्या है, II+IF। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग क्या है IS है, आउटगोइंग क्या है IS+IF। तो मैंने लिख दिया VI इज इक्वल टू II+IF, बट β I0 की वैल्यू क्या है, IF के इक्वल है, तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पर रिलेशन तो जो पूरा आ गया वो I और I0 के इक्वल आ गया। अब देखो I0 जो है नियरली इक्वल टू किसके है, AI into II, तो और R0 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी इन इन दिस केस, और RI की वैल्यू कितनी है, नियरली इक्वल टू जीरो। तो VI की वैल्यू कितनी होगी, II+β(ae)i, और I0 की वैल्यू हमने यहाँ पे AI into II डाल दी। दोनों में से II कॉमन निकाला नीचे से डिनोमिनेटर, तो 1+β(ae)i। और देखो VI/RI क्या होता है, VI/II क्या होता है, RI, ओम्स लॉ। तो RI बन गया ऊपर, 1+β(ae)i बन गया। तो इस दिस वे वी विल एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हमें R0F निकालना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेकंड वाले केस में हमने क्या किया था, एक्सेप्ट IS को क्या कर दो, जीरो कर दो। रेस्ट जो आप निकालने का जो प्रोसीजर है वो सेम है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस, पहले केस की तरह है। जैसे हमने क्या किया था, लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया था और वोल्टेज सोर्स को टर्मिनेट कर दिया था, सो डैट करंट I विल फ्लो इन टू द आउटपुट टर्मिनल। तो R0 की वैल्यू कितनी हो गई, V/I, एंड वाइल मेकिंग द मेजरमेंट द सोर्स करंट IS इज इक्वल टू जीरो। वहाँ पे हमने क्या किया था, VS इज इक्वल टू जीरो कर दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी कंपेरिजन्स में भी जो हम कर रहे हैं, तो R0 का ही जो कंसेप्ट जुड़ा हुआ है ना पैरेलल में, ये एक नया इसमें सर्किटरी में ऐड हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। तो I की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V/I, V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो V0/R0 - AI II, है ना। अब वो कहता है कि क्योंकि आप कह रहे हो कि IS की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वी गेट II इज इक्वल टू -IF। तो I इज इक्वल टू V/R0+AIRF बन जाएगा। तो बट IF की वैल्यू कितनी है, β(I) है, सो एंड टेकिंग द पोलैरिटी ऑफ द करंट, तो IF की वैल्यू कितनी हो गई, -Iβ। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने इसको इस इक्वेशन पुट कर दिया ऊपर वाली में, तो ये क्या बन जाएगी, V/R0 - AI β(I). तो IF की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है II, क्योंकि II की वैल्यू कितने के इक्वल है, IF के इक्वल है। तो वो पोलैरिटी लिखते हुए मैंने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आया यहाँ में, मैंने कॉमन निकाला, तो देखो अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, V/I को मैं नीचे ले गया, R0 को उधर ले गया, तो R0 अब मल्टीप्लाई हो गया। उस वाले केस में R0 डिवाइड में हो रहा था, है ना, R0 ऊपर था, नीचे वाला फैक्टर डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है। तो V/I क्या है, R0F हो गया। तो इन दिस वे यू विल एबल टू कैलकुलेट द आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं लास्ट की तरफ, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, या सीरीज करंट फीडबैक एम्पलीफायर, या सीरीज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ये है वोल्टेज टू करंट। अभी हमने करंट वोल्टेज टू वोल्टेज, करंट टू करंट, करंट टू वोल्टेज कर लिया, अब गए वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो बेसिक एम्पलीफायर में जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आउटपुट वोल्टेज सैंपल मेरा करंट की फॉर्म में है, फीडबैक वोल्टेज जो मुझे मिलेगी वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगी, सोर्स वोल्टेज मेरा यहाँ पे सोर्स जो है मेरा वो क्या है, वोल्टेज सोर्स है, IF और II और VI मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, VF इज इक्वल टू β(I0), क्यों, क्योंकि जो फीडबैक वोल्टेज है फीडबैक नेटवर्क का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आउटपुट के, आउटपुट क्या है मेरा करंट, तो ये क्या हो जाएगा, VF इज इक्वल टू β(I0). तो द सैम्पल सिग्नल इज करंट, फीडबैक सिग्नल इज वोल्टेज। जैसे कि मैं जो मैंने अभी डिस्कशन किया, मैंने यहाँ लिख दिया फीडबैक सिग्नल क्या है, वोल्टेज है, सैम्पल सिग्नल क्या है, करंट है। फीडबैक सिग्नल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट, सो इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो ये सेम, अब यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा है दोनों में, है ना। एक एक ऐसा केस था जिसमें दोनों डिक्रीज हो रहे थे, एक ऐसा केस था कि जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। एक में क्या है कि इनपुट रेजिस्टेंस घट रहा है बट आउटपुट रेजिस्टेंस घट रहा है, और इसमें क्या है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, है ना।
तो 2 raised to the power चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे बन गए। तो ट्रांसफर फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, लैपलास ट्रांसमिशन ऑफ द आउटपुट, आउटपुट क्या है आई नॉट, इनपुट क्या है वी एस, तो ये बन जाएगा ट्रांसकंडक्शन, ट्रांसकंडक्टेंस गेन जी एम, एक बना था ट्रांस रेजिस्टेंस है ना, तो ये होगा पॉपुलरली नोन एज ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो इन आइडल ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, आर आई एंड आर नॉट, क्योंकि हाई बोल रहा है वो। तो ट्रांसकंडक्टेंस में क्या करते हैं, बेसिकली वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स इसका, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद एमिटर रेजिस्टेंस एंड अनबायस्ड। तो ये आप देख रहे हैं कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर जैसे ये आप देख रहे हैं वीसीसी और आरआई को हमने कॉमन कनेक्ट कर रखा है, वी सोर्स को हमने कॉमन दे रखा है और कलेक्टर को हमने आरसी से जोड़ रखा है, दिस इज द करंट सैम्पलर। ओके, तो दिस इज द डायग्राम फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद कॉमन विद एमिटर रेजिस्टेंस एंड अनबायस सर्किट। तो स्टूडेंट्स वी डिस्कस टिल नाउ, और जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है उनको इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, तो सेम एक बार अगर हमने एक को निकालना सीख लिया तो हम बाकी के तीन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस को आपने इस लेक्चर से अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे हम निकालते हैं, और चारों ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाले लेक्चर सीरीज़ में अब हम आगे ऑसिलेटर्स को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।